हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेलर डिफ्लेक्शन के मेथड्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे लव मेथड और उसके बाद में हम देखेंगे रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड और लास्ट में हम देखेंगे पाउडर मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले इन मेथड को समझने के लिए हमको जो हमारे पास में ब्रेक्स लो था उसको हमको पता होना चाहिए। तो ब्रेक्स लो होता है हमारे पास में एन लेमडा इक्वल टू 2d साइन थीटा। यहाँ पर हमारे पास में दो वेरिएबल पार्ट आ रहे हैं, एक तो हमारे पास में आ रहा है लेमडा जो कि वेवलेंथ है और दूसरा हमारे पास में आ रहा है थीटा। तो ये जो मेथड्स होते हैं ये इन्हीं चीज़ पे बेस होते हैं। ठीक है, किसी मेथड में आपके पास में जो वेवलेंथ होगी वो कंटिन्यूस होगी और किसी के अंदर आपके पास में जो वेवलेंथ होगी वो मोनोक्रोमेटिक होगी यानी कि फिक्स वेवलेंथ होगी। और किसी मेथड में आपका जो थीटा है वो फिक्स रहेगा और किसी मेथड में आपका जो थीटा है वो वेरिएबल रहेगा, मतलब कि रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड जो इसमें क्रिस्टल रोटेट होता रहेगा तो जो थीटा है वो चेंज होता रहेगा। तो बेसिकली जो हमारे पास में मेथड होते हैं वो इसी पे बेस हैं। सबसे पहला जो मेथड है हमारे पास में लव मेथड, उसमें हमको सिंगल क्रिस्टल यूज़ करना होता है और वो फिक्स रहता है। ठीक है, मतलब कि थीटा हमने फिक्स कर दिया तो वेरिएबल क्या रहेगा इसमें हमारे पास में लेमडा यानी कि वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम वेरिएबल कैसे कर सकते हैं, अगर हम वेवलेंथ कंटिन्यूस वेवलेंथ यूज़ करें। कंटिन्यूस वेवलेंथ मतलब कि जो वेवलेंथ होगी वो हमारे पास में क्या करेगी, वेरी करेगी बीम के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास जो इंसिडेंट बीम होगी उसकी वेवलेंथ जो होगी वेरी करेगी, मतलब कि फिक्स नहीं रहेगी। ठीक है, उसकी एक रेंज होगी, उसके बीच में ही वो वेवलेंथ रहेगी। और अगर हमारे पास में थीटा जो है हम उसको फिक्स रखेंगे तो जो हमारे पास में वेवलेंथ है जिस वेवलेंथ के लिए थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी सेटिस्फाई हो जाएगी उस कंडीशन में हमारे पास में डिफ्रेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास में नेक्स्ट मेथड आएगा रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, उसमें जो लेमडा है उसको क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे यानी कि मोनोक्रोमेटिक जो हमारे पास में एक्सरेज है उनका यूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास में लेमडा जो होगी फिक्स रहेगी। ठीक है, और जो थीटा होगा वो वेरिएबल रहेगा यानी कि क्रिस्टल जो है रोटेट करेगा। तो ऐसी कंडीशन में जिस भी डिग्री थीटा के लिए जो हमारे पास में लेमडा की वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी यानी कि ऑर्डर इनका सेम होगा वहाँ पे हमारे पास में डिफ्लेक्शन हमारे को ऑब्जर्व होगा। इसी तरह से जो हमारे पास में नेक्स्ट मेथड आएगा जो कि पाउडर मेथड होता है, उसमें हम क्या करते हैं क्रिस्टल का पाउडर बना लेते हैं। तो पाउडर बना लेंगे तो उसके जो प्लेन होंगे वो वेरियस जो होंगे क्या करेंगे, अरेंजमेंट को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो किसी ना किसी एंगल के जो हमारे पास में जो एरिया को ऑक्यूपाई करेंगे तो किसी ना किसी वेवलेंथ के लिए जो उनका एंगल होगा वो सेटिस्फाई हो जाएगा और उस कंडीशन में डिफ्लेक्शन अकर होगा और जो हमारे पास में एक्सरे होगी वो डिफ्रेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इन जो हमारे पास में फैक्टर्स हैं उन पे जो हमारे पास में तीनों जो हमारे पास मेथड है वो बेस रहते हैं। तो एक एक करके तीनों मेथड का डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मेथड आता है लव्स मेथड। ठीक है, इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ एक्सरे डिफ्रेक्शन। इन दिस मेथड ए सिंगल क्रिस्टल इज हेल्ड स्टेशनरी, मतलब कि उसको हम फिक्स करके रख देते हैं। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन आर वन बाय वन मल्टीप्लाई वन एम एम होता है। ठीक है, अ वेल कोलिमेटेड बीम ऑफ एक्सरेज ऑफ कंटिन्यूस वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन। कोलिमेटेड का मतलब कि नेरो एक्सरे बीम का हम यूज़ करते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास में कंटिन्यूस वेवलेंथ मतलब कि उसकी जो वेवलेंथ वो फिक्स्ड नहीं है, वो चेंज हो रही है। ठीक है, इज इंसिडेंट ऑन क्रिस्टल स्पेसिमेन द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज इन रेंज 0.222 एंगस्ट्रॉम। तो जो हमारे पास में एक्सरेज होती है उनकी रेंज क्या होती है, 0.222 एंगस्ट्रॉम होती है। अब इसके बाद में क्या होता है कि हमारे पास में एक पिन होल अरेंजमेंट होती है जिसे हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं वेल कोलिमेटेड बीम ऑफ एक्सरेज। द रिफ्लेक्टिंग प्लेन इन क्रिस्टल चूज ए सूटेबल वेवलेंथ फॉर विच ब्रेस कंडीशन इक्वेशन विल सेटिस्फाई। तो यहाँ पे हमारे पास में प्रैक्टिकल अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है जिसमें हमारे पास में सिंगल क्रिस्टल जो स्पेसिमेन होता है उसको हम यहाँ पे स्टेशनरी रख देते हैं और यहाँ से जो होती है पिन होल अरेंजमेंट होती है जहाँ से हम क्या करते हैं एक्सरे को इंसिडेंट करते हैं जो कि कंटिन्यूस वेवलेंथ होती है और उनकी जो वेवलेंथ होती है 0.222 एंगस्ट्रॉम में वेरी करती है। ठीक है, इस पिन होल अरेंजमेंट से जैसे ही एक्सरे पास होती है तो वो कोलिमेटेड हो जाती है और क्रिस्टल पे क्या होती है, इंसिडेंट होती है। यहाँ से क्रिस्टल पे जब इंसिडेंट होती है तो इसमें डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, जो हमारे पास में वेवलेंथ जिसकी जो हमारे पास में वेवलेंथ होगी जिसके लिए जो इसका जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास में डिफ्लेक्शन है वो देखा जाएगा और डिफ्लेक्शन जब होगा तो ये जो हमारे पास में एक्सरेज हैं वो वेरियस एंगल पे क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही एक्सरे डिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ पे जो हमारे पास में फोटोग्राफी फिल्म होती है वहाँ पे जो डिफ्लेक्शन का जो पैटर्न होगा उसको ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, डिफ्रेक्टेड एक्सरेज है और ये क्या है, फोटोग्राफी फिल्म ए है और यहाँ पे भी हम एक फोटोग्राफी फिल्म लगाते हैं जो कि क्या है, फोटोग्राफी फिल्म बी है। तो यहाँ से क्या होगा, डिफ्रेक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व कर लिया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास में जो रिफ्लेक्टिंग प्लेन्स होते हैं क्रिस्टल के अंदर वो क्या करते हैं, चूज़ करते हैं ए सूटेबल वेवलेंथ फॉर विच ब्रेक्स इक्वेशन 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा इज सेटिस्फाई। मतलब जो क्रिस्टल होते हैं उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, प्लेन्स होते हैं जो कि वेरियस जो होते हैं, पैरेलल जो होते हैं, क्या होते हैं, अरेंज रहते हैं।
लेकिन जब जिससे हमारे पास में वेवलेंथ की जो हम एक्सरे को इंसिडेंट कर रहे हैं, अगर उसकी वेवलेंथ जो क्रिस्टल के जो थीटा वो बन रहा है उनका एंगल जिस पर वो आपतित हो रही है यानी कि इंसिडेंट हो रही है, वो अगर दोनों सेम ऑर्डर के हो जाते हैं, मतलब कि जो वेवलेंथ है उसकी ऑर्डर जो हमारे पास में जो प्लेन्स है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसकी ऑर्डर की हो जाएगी, तो हमारे पास में क्या होगा, डिफ्रेक्शन देखा जाएगा वहाँ पर। तो जब हमारे पास में थीटा और जो हमारे पास में वेवलेंथ है वो जो होती है एक स्पेसिफिक कंडीशन में आ जाती है, तो हमारे पास में डिफ्रेक्शन होता है और डिफ्रेक्शन की कंडीशन जो होती है सेटिस्फाई हो जाती है, और जो एक्सरेज होती है डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर क्या होती है, डिफ्रेक्ट हो जाती है। टू फ्लैट फोटोग्राफिक फिल्म ए एंड बी आर प्लेस एट ए शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम क्रिस्टल टू रिसीव दीज डिफ्रेक्टेड बीम्स, ठीक है। तो इन डिफ्रेक्टेड बीम को रिसीव करने के लिए हमारे पास में क्या होती है, जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है वो लगी होती है। बेसिकली हमको इसमें क्या याद रखना है कि जो हमारे पास में ब्रेक्स की कंडीशन थी एन लेमडा इक्वल टू 2d sin थीटा, ये हमारे को पता होनी चाहिए। अगर हम क्या करें हैं कंटिन्यूस वेवलेंथ का यूज़ करें तो हमारे पास में थीटा जो होगा वो क्या होगा, स्टेशनरी होगा, मतलब क्रिस्टल हम क्या लेंगे, स्टेशनरी यूज़ करेंगे। क्रिस्टल के अंदर क्या होंगे, वेरियस क्रिस्टल प्लेन्स होंगे, तो हमारे पास में जो वेवलेंथ है वो चूज़ कर लेंगे जिसमें हमारे पास में डिफ्रेक्शन देखा जाएगा, और जो होगी वो वेवलेंथ वाली जो एक्सरेज होगी वो डिफ्रेक्ट हो जाएगी जो वेरियस डायरेक्शन है उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, इसमें डिफ्रेक्शन पैटर्न जो होगा ऑब्जर्व होगा। द डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑब्जर्व ऑन टू फिल्म कंजेस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ स्पॉट, द डिफ्रेक्शन पैटर्न विल शो सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल इफ द क्रिस्टल हैज फोर फोल्ड सिमेट्री देन द डिफ्रेक्शन पैटर्न और लव पैटर्न विल शो फोर फोल्ड सिमेट्री, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या होता है, जो सिमेट्री होती है वो भी ऑब्जर्व होती है, मतलब अगर हमारे पास में क्रिस्टल के अंदर फोर फोल्ड सिमेट्री होगी तो जो डिफ्रेक्शन पैटर्न होगा उसके अंदर भी क्या होगी, फोर फोल्ड सिमेट्री होगी। फोर फोल्ड सिमेट्री का मतलब यहाँ पर हम क्या दिखाई देगी, एक दो तीन और चार जो कि आपको इस तरह से पैटर्न दिखाई देगा, ठीक है। अब हमारे पास में क्या एडवांटेज है लव मेथड के, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे इसके क्या डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज की बात करें, दिस मेथड इज़ वाइडली यूज फॉर रैपिड डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल ओरिएंटेशन एंड सिमेट्री, इट कैन बी यूज टू एस्टैब्लिश द शेप ऑफ यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। तो इससे हम शेप ऑफ यूनिट सेल का पता लगा सकते हैं क्रिस्टल के अंदर। डिसएडवांटेज ये है कि इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर डिटर्माइनिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इससे हम पूरे क्रिस्टल की जो है स्ट्रक्चर पता नहीं लगा सकते, ठीक है। अब दूसरा मेथड आता है हमारे पास में रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। तो बेसिकली जो रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड है इसमें हमको क्या करना है, जो थीटा है वो वेरिएबल रहेगा लेकिन जो हमारे पास में लेमडा है वो क्या होगी, फिक्स रहेगी, ठीक है। लव मेथड के अंदर तो हमने लेमडा जो थी उसको कंटिन्यूस रखा था, लेकिन रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड के अंदर जो लेमडा होगी वो क्या होगी, मोनोक्रोमेटेड होगी। तो रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड का जो हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल जो अरेंजमेंट होता है किस तरह से होता है, जिसके अंदर हम सिलेंड्रिकल फोटोग्राफिक फिल्म का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है, क्रिस्टल को रोटेट करने के लिए मैकेनिज्म लगा होता है, रोटेटिंग शाफ्ट लगा होता है जो कि इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा हुआ रहता है, जिससे हमारे पास में क्रिस्टल जो है रोटेटेड होता रहता है। और ये हमारे पास में क्या है, सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन है। यहाँ पे हमारे पास में एक होल रहता है जिससे एक्सरेज जो होती है अंदर जो होती है क्या हो पाती है, घुस पाती है, और यहाँ पे एक और जो हमारे पास में होल लगा रहता है जिससे जो अनडेविएटेड एक्सरेज होती है जो डिफ्रेक्ट नहीं हो पाती है वो क्या होती है, इससे पास हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से एक्सरेज अंदर आएगी और क्या होगी, वो डिफ्रेक्ट होगी, और डिफरेक्ट कब होगी, जब हमारे पास में थीटा जो होगा वो लेमडा की जो होगा ऑर्डर का हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये डिफरेक्ट होगी और यहाँ पे जो फोटोग्राफी फिल्म सिलेंड्रिकल लगी हुई है इस पे जाके ये टकराएगी, और यहाँ पे हमारे पास में क्या बन जाएगा, डिफ्रेक्शन पैटर्न जो होगा बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पिन होल अरेंजमेंट भी लगा हुआ था जिसको हम कोलीमेटर कहते हैं, जो कि एक्सरे को क्या करता है, मोनो जो एक्सरे जो होती है मोनोक्रोमेटिक उसको कोलीमेटर कर देता है, ठीक है। सो इन दिस मेथड अ सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन इज रोटेटेड अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन को रोटेट करेंगे अबाउट एन एक्सिस, एज द क्रिस्टल रोटेट डिफरेंट सेट ऑफ पैरेलल प्लेन गेट पोजिशन सो देट ब्रेक्स लो इक्वेशन एन लेमडा इक्वल टू 2d sin थीटा इज सेटिस्फाई, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा क्रिस्टल जो होगा रोटेट करेगा उसके जो प्लेन होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अरेंज होंगे, और जो हमारे पास में इंसिडेंट एक्सरे वो उस पर क्या होगी, इंसिडेंट होगी। तो एक हमारे पास में कोई ऐसी कंडीशन आएगी जब दोनों की जो वेवलेंथ है और जो थीटा है वो क्या करेंगे, दोनों को सेटिस्फाई कर जाएंगे और एक्सरे जो होगी वो डिफ्रेक्ट हो जाएगी। तो ये इसका जो होता है प्रिंसिपल होता है। इन दिस मेथड ए मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ एक्सरे इज अलाउड टू फॉल ऑन ए सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन, द बीम ऑफ एक्सरेज आर मेड मोनोक्रोमेटिक यूजिंग ए फिल्टर। तो हमने देखा था कि जो हमारे पास में कौन कौन से तरीके होते हैं बीम को मोनोक्रोमेटिक करने के लिए, तो इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, फिल्टर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से जो एक्सरेज है उसको मोनोक्रोमेटिक हम फिल्टर के यूज़ से बना लेंगे, और हमारे पास में क्या होगा, एक पिन होल अरेंजमेंट है उसका यूज़ किया जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, कोलीमीटर कहते हैं। सो कोलीमीटर में क्या होगा कि इज़ यूज टू कोलीमेट द मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ एक्सरेज, द डायमेंशन ऑफ सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन इज़ 1 mm मल्टीप्लाई बाय 1 mm मल्टीप्लाई बाय 1 mm, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो हमारे पास में डायमेंशन होती है क्रिस्टल की, ये क्या होती है, क्यूबिक टाइप शेप का होता है, इसलिए इसकी डायमेंशन होती है 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 होती है। और जो हमारे पास में
डिफ्रेक्शन पैटर्न होता है वो ऑब्टेन होता है ऑन ए सिलेंड्रिकल फोटोग्राफिक फिल्म हुज एक्सिस कॉन्साइड विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, तो हमारे पास में जो फोटोग्राफी फिल्म होगी हमको सिलेंड्रिकल यूज़ में लेनी है और इस पर हमारे को डिफ्रेक्शन पैटर्न जो होगा दिखाई देगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास में रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड है उसके क्या एडवांटेज हैं। सो एडवांटेज या फिर यूजफुलनेस ऑफ योर रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, इट हेल्प इन डिटरमिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इससे हमको पता चल जाती है क्योंकि लव मेथड से हमको नहीं पता चल रही थी। ठीक है, और दूसरा इसका जो है इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द साइज ऑफ यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल। तो इसके दो बेसिकली एडवांटेजेस होते हैं, पहला तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता चल जाती है और दूसरा हमको यूनिट सेल की जो होती है साइज़ पता चल जाती है। ठीक है, अब तीसरा मेथड आता है हमारे पास सबसे यूजफुल मेथड जो हमारे पास में है, पाउडर मेथड। ठीक है, पाउडर मेथड को हम क्या कहते हैं, डिबाई एंड सेचर मेथड भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है इन वैज्ञानिक यानी कि जो इन साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है सबसे पहले इस मेथड को यूज़ किया था और इसका जो है मेथड को एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से इसमें डिफ्लेक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास में ये फोटोग्राफी फिल्म होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सेंटर के अंदर क्रिस्टल स्पेसिमेन को रख देते हैं और किस तरह से रखते हैं, यहाँ पे हमारे पास में कैपिलरी ट्यूब होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, क्रिस्टल जो स्पेसिमेन होता है उसको जो है पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और इस जो कैपिलरी ट्यूब होती है इसके अंदर भर देते हैं और इस कैपिलरी ट्यूब को यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, अब हम इस पर क्या करते हैं, जो हमारे पास फोटोग्राफी फिल्म होती है इसमें स्मॉल होल बना देते हैं जिससे एक्सरेज जो है इस जो हमारे पास में ये जो क्रिस्टल के जो स्पेसिमेन है इस पर इंसिडेंस की जा सकती है और ये एक्सरेज भी क्या होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है। अब यहाँ से जो होता है कुछ जो एक्सरेज होती है वो एनिमेटेड रह जाती है जिसको हम दूसरे होल से जो होते हैं बाहर पास कर देते हैं, लेकिन जो हमारे पास में अधिकांश एक्सरे होगी वो क्या होगी, यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक एक्सरे है और लेकिन जो पाउडर जो है हमारे पास में क्रिस्टल वो पाउडर फॉर्म में है तो उसके जो क्रिस्टल प्लेन्स होंगे वो क्या होंगे, वेरियस एंगल पे जो हो जाएंगे, पोजीशन हो जाएंगे। तो जैसे ही हमारे पास में एक्सरे जो होगी उन पे इंसिडेंट होगी तो अगर एक्सरे की जो डिफ्लेक्शन की कंडीशन है एन लैम्डा इक्वल टू 2d सेंटीमीटर वो सेटिस्फाई हो जाएगी तो डिफ्लेक्शन देखा जाएगा। ठीक है, तो डिफ्लेक्टेड एक्सरे जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर शो की गई है। ठीक है, तो डिफ्लेक्टेड एक्सरे कुछ इस तरह से यहाँ पर क्या होती है, फोटोग्राफी फिल्म पे टकराती है जिससे क्या बनती है, कॉन्सेंट्रिक रिंग बन जाती है। यहाँ पे भी एक रिंग जो है आपको ऑब्जर्व होगी। तो यहाँ पे ये इस तरह से इसका कुछ प्रैक्टिकल अरेंजमेंट होता है जिसमें एक फिल्म होती है फोटोग्राफिक फिल्म और यहाँ पे हमारे पास में क्या होते हैं, दो होल रहते हैं फोटोग्राफी फिल्म के अंदर जिससे हम एक्सरे को इंसिडेंट कर सकते हैं और अनडेविएटेड एक्सरे को पास कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास में कैपिलरी ट्यूब होती है जिसके अंदर हमारे पास में फाइंड पाउडर पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल स्पेसिमेन होता है। अब हम देखते हैं इस मेथड के हमारे पास में किस तरह से इसमें एक्सरे डिफ्रेक्शन होता है। दिस मेथड वाज डिवाइज्ड बाय डिबाई एंड शेरर इन 1916 टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनली पाउडर पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल। तो ये मेथड किसने दिया था, डिबाई एंड शेरर ने दिया था इन 1916, इसलिए जो हम इसको क्या कहते हैं, डिबाई एंड शेरर मेथड भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या इसमें यूज़ में आता है, तो फाइनली पाउडर पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स की जो स्ट्रक्चर है उसको पता लगाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। फाइनली पाउडर पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल इज कीप्ड इनसाइड ए कैपिलरी ट्यूब। जो जो भी हम इसमें जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसको ही हमारे को लिखना रहता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि कैपिलरी ट्यूब लिए, उसके अंदर पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके भर दिया। अ नैरो बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज अलाउड टू फॉल ऑन कैपिलरी ट्यूब। फिर हमने कैपिलरी ट्यूब को क्या करा, प्लेस कर दिया एट सेंटर ऑफ द हमारे पास में फोटोग्राफी फिल्म एंड उस पर हमने क्या करा, नैरो बीम यानी कि कोलिमेटेड एक्सरे बीम को जो है इस पर इंसिडेंट कर दिया। अब इंसिडेंट करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, ठीक है, इन फाइनली पाउडर पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल स्पेसिमेन देयर आर मेनी क्रिस्टल सो वी हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा। एक्सरेज आर डिफ्रेक्टेड ओनली वेन ब्रेक्स लो इक्वेशन 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा विल सेटिस्फाई। तो इसका मतलब क्या होगा कि फाइनली पाउडर क्रिस्टल जो मटेरियल है हमारे पास में उसके अंदर जो हमारे पास में क्रिस्टल के जो प्लेन्स होंगे वो वेरियस जो एंगल होंगे उस पर क्या होंगे, पोजिशन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू होगी थीटा की, जैसे ही हमारे पास में जो एक्सरे उस पर इंसिडेंट होगी उसकी जो हमारे पास में वेवलेंथ है और जो थीटा है वो दोनों अगर हमारे पास सेटिस्फाई हो जाते हैं तो क्या होगा, जो हमारे पास में ब्रेक्स लो की कंडीशन है 2d साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा, अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारे पास में ब्रेक जो डिफ्रेक्शन होगा वो देखा जाएगा और जो होगी एक्सरे बीम वो डिफ्रेक्ट हो जाएगी। ठीक है, द बीम ऑफ एक्सरे आर मेड मोनोक्रोमेटिक यूजिंग ए फिल्टर। अ फोटोग्राफी फिल्म इज़ यूज टू रिसीव द डिफ्रेक्टेड एक्सरेज। तो हमको क्या करना है कि जो बीम है एक्सरेज की उसको मोनोक्रोमेटिक किससे करेंगे, हम फिल्टर से करेंगे और जो हमारे पास में डिफ्रेक्टेड एक्सरेज होगी उसको हम फोटोग्राफी फिल्म पे क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और यहाँ पे जो फोटोग्राफी फिल्म है वो हमारी डेवलप्ड हो जाएगी यानी कि एक्सरे इसे क्या करेगी, टकराएगी तो उस पर क्या बनेगा, डिफ्रेक्शन पैटर्न बनेगा। तो यहाँ पे हमारे को डिफ्रेक्शन पैटर्न या फिर जो हमारे पास में जो पैटर्न प्राप्त होता है डिफ्रेक्शन के बाद वो कुछ इस तरह से प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है इस तरह से आपको जो है कॉन्सेंट्रिक लाइनें दिखाई देगी, तो ये डिफ्रेक्शन पैटर्न आपको बनाना होता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं।
तो एडवांटेज की बात करें तो इसका एडवांटेज सबसे पहला ये है कि इसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननाउन क्रिस्टल मटेरियल, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, जो अननाउन क्रिस्टल मटेरियल होता है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड, इसका यूजफुलनेस होती है डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट सेल डायमेंशन, ठीक है, तो यूनिट सेल डायमेंशन को भी हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यूनिट सेल डायमेंशन क्या होती है, ये हमारे पास में क्या होता है, क्रिस्टल होता है। तो क्रिस्टल प्लेन भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ, ये क्या हमारे पास में क्रिस्टल है, एक क्यूबिक फॉर्म में क्रिस्टल है, जिसमें ये जो है ये क्या है, क्रिस्टल प्लेन है, ये भी एक क्या है, क्रिस्टल प्लेन है, ठीक है। और ये वाली जो हमारे पास में पैरामीटर हैं ए बी और सी, ये क्या है, यूनिट सेल डायमेंशन है, ठीक है। इनके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास में एंगल भी होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, वो भी हमारे पास में क्या होते हैं, क्रिस्टल जो यूनिट सेल होती है उसके पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ सिंपल सैंपल्स प्योरिटी, इससे हम क्या कर सकते हैं, सैंपल जो है उसकी प्योरिटी का भी पता लगा सकते हैं। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन लेटेस्ट पैरामीटर ए बी सी, तो हमारे पास में जो लेटेस्ट पैरामीटर होते हैं, यानी कि जो लेटेस्ट होता है वो किससे बना होता है, वो हमारे पास में यूनिट सेल से बना होता है। और यूनिट सेल का पैरामीटर हमारे पास में क्या होते हैं, एक्सियल जो हमारे पास में साइड्स होती है ए बी सी, और जो एंगल्स होते हैं अल्फा बीटा गामा, तो इसका जो यूज़ होता है वो क्या होता है, एक्सियल जो लेटेस्ट पैरामीटर है ए बी सी उसका पता लगाने में भी जो डिवाइस एरर मेथड है पाउडर मेथड उसका यूज़ होता है। तो ये हमारे पास में एडवांटेजेस होते हैं किसके, डिवाइस एरर मेथड या फिर पाउडर मेथड के। आई होप कि आपको ये तीनों ही मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।